अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है K9 वायरलेस माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन लाइव शोज़, इंटरव्यूज़ और व्लॉग शॉर्ट वीडियोस के लिए यूज़ होता है। यूट्यूब वीडियोस के लिए, टिकटॉक के लिए, मतलब सोशल मीडिया के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें फॉर आईफोन और फॉर टाइप सी दो कनेक्टर मिलते हैं, डुअल कनेक्टर के साथ है। और बैक साइड पे इसके है प्लग एंड प्ले, मतलब कोई भी ड्राइवर आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। 20 मीटर इसकी रेंज है। ये भी मैं आपको वीडियो एक डाल दूँगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर अगर पॉसिबल हुआ। प्रीसाइज रेडियो है, ठीक है। क्लियर टिम्बर है इसके अंदर, साउंड क्लियर आएगा। हाईली सेंसिटिव है, वाइल्डी कंपैटिबल है। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये स्लाइडिंग बॉक्स है इधर से, ठीक है। इस स्लाइड करके ओपन करेंगे और सामने आपको आपकी डिवाइस मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं माइक दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये माइक है, आप जैसा देख सकते हैं इसकी लुक ब्लैक कलर में है। ये इसका बटन नहीं है, ये वैसे ही है। इसके अंदर आई थिंक बैटरी वगैरह होगी। ये LED लाइट है, यहाँ से पेयरिंग होगा तो आपको लाइट पता चल जाएगी। इसके बैक पे जाएंगे तो यहाँ पे है पावर ऑन ऑफ बटन, यहाँ से पावर ऑन होगा। और बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं, फिर आपको मैं इसका नेक्स्ट फीचर फंक्शन वगैरह बता देता हूँ। टाइप सी कनेक्टर मिलता है हमें, ये देख सकते हैं आप। और ये भी चार्ज होगा, टाइप सी के साथ चार्ज होगा, ठीक है। और एक हमें कनेक्टर मिलता है लाइटनिंग कनेक्टर, जो कि आईफोन के लिए यूज़ होगा। ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि टाइप सी हम इसके अंदर लगाएंगे या अटैच हो जाएगा, उसके बाद ये आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमें यूज़र मैनुअल मिलता है, ठीक है। इसका यूज़र मैनुअल है, ये इंग्लिश में है यूज़र मैनुअल। टोटली इसका एवरीथिंग इसके ऊपर मेंशन है। और हमें चार्जिंग वायर मिलती है इसकी। चार्जिंग वायर भी टाइप सी है। तो नेक्स्ट हम इसको ऑन करते हैं और इसको पेयरिंग करते हैं। जी तो ये हमारा माइक है, क्या ये चार्जेबल माइक है, इसके अंदर बैटरी है। तो ये टाइप सी से चार्ज होगा, वो वायर इसके बॉक्स में ही आती है। ये इसका कुशन है जो नॉइज़ कैंसिलेशन करेगा, और ये इसका माइक है। इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये पेयरिंग कैसे होगा। बैक से बटन प्रेस करेंगे, ये पेयरिंग मोड में चला गया, ठीक है। ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये आपने जस्ट अपने मोबाइल में लगाना है इसे, और ये खुद ब खुद पेयर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मैं अपने मोबाइल में लगाता हूँ। ये देखें, ये स्टिल हो गई है लाइट, ये पेयर हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी वॉइस कर सकते हैं, मैं आपको इसका कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। ये नॉर्मल वॉइस में मैं बोल रहा हूँ, और ये माइक के साथ भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये मैं अब माइक के ज़रिए बोल रहा हूँ, K9 वायरलेस माइक। तो साउंड आप देख सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन है या नहीं है। जी तो ये वीडियो विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। नॉइज़ भी आप देख सकते हैं बैक पे, नॉइज़ कितनी है बैकग्राउंड में। तो अभी मैं माइक लगा के आपको ये रेंज इसकी और नॉइज़ कैंसिलेशन भी टेस्ट करवा देता हूँ। ये माइक की डिवाइस मैंने ऐड कर दी है। ये देख सकते हैं, ये साथ ही पेयर हो गई है। ब्लूटूथ इसका काफ़ी अच्छा है, ऑटोमेटिक पेयर हो जाएगी उसी टाइम। तो अभी मैं माइक टेस्ट करवा देता हूँ आपको, रेंज और नॉइस कैंसिलेशन। ये अभी मैं माइक K9 वायरलेस माइक में बात कर रहा हूँ। तो ये इसकी रेंज 20 मीटर है, तो आप देख सकते हैं ये 20 मीटर तक जाता है, उससे भी
ज़्यादा रेंज देता है। ये भी फ़िलहाल मैं कैमरे से काफ़ी दूर आ गया हूँ, तो इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, पेयरिंग में ही है। मैं लाइट देख रहा हूँ इसकी, ये जब डिस्कनेक्ट होगा मैं आपको तब भी बता दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं मेरे ख्याल, तो ये आज आपके लिए K9 माइक्रोफोन लाया था डुअल कनेक्टर के साथ, और ये बैटरी बैकअप जो है इसका, ये कॉन्टीन्यूस फुल चार्ज के ऊपर ना 6 और प्लस आपको बैटरी बैकअप देगा, और ये काफ़ी अच्छा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं नॉइज़ कैंसलेशन इसकी, साफ साफ आपको पता चल जाएगी कि क्या इसकी नॉइज़ कैंसलेशन कितनी अच्छी है। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।